व्यक्ति अच्छे तरीके से इसके पीछे लगे हुए थे, और जब सूचना मिली तो इसने पुलिस की पार्टी पर फायर किया। ऑपरेशन पाताल के तहत चलाए जा रहे अभियान में अभी अभी कुछ देर पहले जालौन कोतवाली पुलिस SOG और सब लाइन्स को एक अहम सफलता हाथ लगी है। ऑपरेशन पाताल के तहत इन्होंने अभी अभी कुछ देर पहले एक मुठभेड़ में 50,000 रुपए के इनामी बदमाश को जो है मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। उसके पैर में गोली लगी है, उसका नाम मोरी और श्री कृष्ण बताया गया है। और कुछ समय पहले उसने जालौन कोतवाली क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर एक ड्राइवर क्लीनर को बांधकर फेंका था और ट्रक लूटा था। हालांकि उसमें कुछ मुलजिम गिरफ्तार हुए थे, वो जेल चले गए थे, लेकिन ये काफी समय से जो है बातचीत चल रहा था। इस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था पहले, लेकिन फिर बाद में इस पर इनाम बढ़ाकर 50,000 रुपए घोषित कर दिया था। तो अभी अभी कुछ देर पहले इसी इको गाड़ी से वो जा रहा था। इसकी जो है मुख्य सूचना पर SOG और स्थानीय पुलिस और जो प्रशासन की ओर से जो टीम लगी हुई थी उन्होंने घेराबंदी की है। घेराबंदी करके इसको जब ललकारा है तो उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया है। फायर होने पर एक पुलिसकर्मी को भी जो है गोली लगी है, उसको उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। साथ ही उस जो साथी बदमाश है जिस पर 50,000 का इनाम है बुरी उप श्री कृष्ण, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद इसको चिकित्सालय भेजा गया है। पूरे प्रकरण की जानकारी हमसे जो है साझा की है पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर इराज राजा ने। उनका कहना यह है कि ऑपरेशन पाताल के तहत अभी जो 23 आदमियों की सूची जारी की थी, अपराधियों की जो सूची जारी की थी, उसमें से ये लगभग आधा टारगेट उन्होंने पूरा कर लिया है, और शीघ्र आधे टारगेट पर जो है उनकी निगाह है और बहुत जल्दी ये टारगेट भी पूरा कर लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जनपद जालौन में आज ऑपरेशन पाताल के तहत अभी अभी कुछ देर पहले जो मुठभेड़ हुई है उसमें इस साथी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। ऑपरेशन पाताल के तहत अभी एक फिर से एक मुठभेड़ हुई है, क्या पूरा मामला जानकारी दीजिए। ये एक 50,000 का इनामी है भूरी जाटव, जो कि मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया और पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। ये भूरी जाटव इसने और इसके कुछ साथियों ने कुछ समय पूर्व एक ट्रक इन्होंने डकैती की थी और उनको काफ़ी मारा था, जो ट्रक का ड्राइवर वगैरह थे, और उसको ट्रक को लूटा था। उसके उपरांत उसकी घटना का अनावरण हुआ था, ट्रक की बरामदगी हुई थी, अब हम अन्य अभियुक्त पकड़े गए थे। उसी में एक अभियुक्त ये बहुत शातिर किस्म का था, जो कि पुलिस की पकड़ से दूर था। इस पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। तो इसको SOG जालौन की टीम ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसके पीछे लगे हुए थे, और जब सूचना मिली तो इसने पुलिस की पार्टी पर फायर किया आत्मरक्षार्थ। इस पर भी फिर फायरिंग की गई, और इसको फायरिंग के उपरांत इसके पैर में गोली लगी है और इसको गिरफ्तार किया गया है। इस पर पूर्व में भी कई अभियोग पंजीकृत हैं, काफ़ी शातिर किस्म का अपराधी है, लूट वगैरह की घटनाएं पूर्व में भी करता रहा है। इसके पास से एक गाड़ी बरामद हुई है, जो कि अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है ये भी चोरी की है, जो कि इसने फिरोजाबाद से चोरी की थी। अन्य अहम जानकारियाँ इसमें जुटाई जा रही हैं, और भी अन्य इनके साथी हैं उनकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। बहुत ही अच्छी सफलता ये प्राप्त की है SOG जालौन ने, और बहुत ही अच्छा कार्य इनके द्वारा किया गया। सर, इस मुठभेड़ में कोई पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है? पुलिसकर्मी घायल हुआ है और अभी उसको उपचार के लिए भेजा गया है।